हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञान योग के बारे में। अभी पिछले दिनों मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है कर्म योग के बारे में, वो स्वामी विवेकानंद जी की किताब से था। और आज ये ज्ञान योग की बात कर रहे हैं हम लोग। ज्ञान योग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और मुझे लगता है कि इस ज्ञान योग की विस्तृत चर्चा उन्होंने गीता में भी जरूर की होगी। तो ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया जाएगा। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रमों को दूर हटा देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए भी समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। ये बात ध्यान देने की है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण क्यों होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस मनुष्य जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। तो सोच लो बच्चों, ये हमारा मनुष्य जीवन कितना इम्पॉर्टेंट है। कई बार कुछ बच्चे, कुछ बड़े लोग जो आत्महत्या का ख्याल रखते हैं, विचार करते हैं, जब वो बिल्कुल थक चुके होते हैं, हार गए होते हैं, निराश होते हैं, तो उनके लिए ये कितनी हिम्मत देने की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मनुष्य रूप का जो शरीर है, यही आपको एक ऐसा मौका देता है जिसके जरिए आप वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी नसीब नहीं है। पृथ्वी या स्वर्ग में जीवन लाभ की चेष्टा ना करें। जीवन के प्रति तृष्णा माया है। जीवन को क्षण स्थायी जानते हुए अज्ञान के स्वप्न से जाग उठ। मृत्यु का ग्रास बनने से पूर्व ज्ञान और मुक्ति पाने का प्रयास कर। हे परंतप, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म पूरी तरह ज्ञान में ही परिसमाप्त होते हैं। तो बच्चों, इसमें आपने सुना होगा ना, हे परंतप, हे पार्थ। तो भगवान श्री कृष्ण पार्थ किसे कहा करते थे? अर्जुन को। तो ये स्पष्ट करता है कि ये ज्ञान योग भी उनके द्वारा जो गीता के उपदेश कहे गए उसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और वो कहते हैं कि यज्ञ करने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, हवन करना, उससे भी श्रेष्ठ कर्म क्या है? ज्ञान का यज्ञ करना, जिसमें आप ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं। उस ज्ञान को सम्यक प्रणिपात निष्कपट भाव से प्रश्न तथा सेवा के द्वारा प्राप्त करें। वे तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस ज्ञान को जान करके तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे पांडव, उस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को अपने भीतर देखोगे और फिर उन्हें मुझ में पाओगे। वो कहते हैं कि यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुझे ज्ञान की नौका के द्वारा समस्त पापों से तारण मिल सकता है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात करती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है। निस्संदेह इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ पुरुष उस ज्ञान को कालक्रम में स्वयं अपनी आत्मा में अनुभव करता है। श्रद्धावान और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह तत्क्षण परम शांति की उपलब्धि करता है। किंतु अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष विनष्ट हो जाता है। संशय का मतलब है डाउट होना। संशय युक्त पुरुष के लिए न तो यह संसार है, न परलोक है और न सुख है, क्योंकि संशय युक्त पुरुष हर चीज पर अविश्वास जाहिर करता है। उसके होने न या नहीं होने को लेकर के सशंकित रहता है। तो अगर वो डाउटफुल ही रहा करेगा तो कैसे उस काम को करेगा।
सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी का पाप ग्रहण करता है न किसी का पुण्य ही। ज्ञान माया के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित करता रहता है। जिनकी बुद्धि तद्रूप है, मन तद्रूप है, जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक निष्ठ है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के उस परम गति को प्राप्त करते हैं, जहाँ से वे पुनरावृत्ति है ना, पुनर्जन्म का झंझट खत्म हो जाता है। मैं पुनः तुझसे ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त करने वाले पुरुष फिर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं होते, न ही प्रलय काल में व्याकुल होते हैं। हे भारत, तू सभी क्षेत्रों शरीरों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विकार सहित प्रकृति और पुरुष का ज्ञान ही मेरे विचार से तत्व ज्ञान है। उन पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में स्थित होते हुए अज्ञान से उत्पन्न अधिकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से नष्ट करता हूँ। मानव रहितता, दंभहीनता, अहिंसा, यहाँ पर ये शब्द मानव रहितता नहीं है, मान रहितता, यहाँ पर ये मान कहीं ना कहीं अभिमान के जैसा शब्द है। दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा भाव, मनवाणी की सरलता, श्रद्धा भक्तिपूर्वक गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थैर्य और मन एवं इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इन सबको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान में ये सारी बातें आ जाती हैं। इंद्रिय भोग्य पदार्थों से अनासक्ति, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख और दोष का दर्शन, ये सब ज्ञानी व्यक्ति के सद्गुण हैं। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, ये सब ज्ञान कहे जाते हैं। मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव, जन समुदाय से विरति, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के उद्देश्य रूप परमात्मा का सर्वत्र दर्शन, इन सबको ज्ञान कहा गया है तथा जो इससे विपरीत है उसे हम अज्ञान कहते हैं। हे कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब है कुंती पुत्र अर्जुन। सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष किस प्रकार ज्ञान की परानिष्ठा अथवा ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसको तुम उससे संक्षेप में जान, ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग वाले चैप्टर में। तो जल्दी ही हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। श्री कृष्ण की वाणी और किन किन चीज़ों के बारे में है, अगला टॉपिक इन्होंने आत्मा के बारे में रखा है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मेरा चैनल लाइक करना भूलिएगा नहीं।